जय गरवी गुजरात, जय बागेश्वर धाम की। गुजरात भक्ति का प्रदेश है और सर्वत्र यहाँ राम नाम की धूम है। प्रथम बार इतने समय के लिए जो है गुजरात में आए हैं, अब हम कुछ दिन गुजारेंगे गुजरात में। अति प्रसन्नता है, हमारी मैया श्री किरण माताजी हमको जो है बोली हैं कि गुरुजी आपको गुजरात आना है करके। तो अपनी मैया के अपनी मैया के भाव से जो है हम आए। फिर यहाँ हमें अपना पूरा परिवार मिला, अनिल जी, बादशाह जी, पूरी मंडली मिली, सभी भक्त मंडल मिले, हृदय में बड़ी प्रसन्नता है। बाबा जी आने से पहले बहुत विरोध हुआ, धर्मांतरण को लेके क्या कहो? ये जो पूरा इलाका है आदिवासी इलाका है और धर्मांतरण यहाँ काफी बड़ी संख्या में होता है, उसके बारे में आपका क्या आयोजन? अगर ऐसा कुछ है तो हम अनिल को भी आज्ञा दे के और मैया को कह के हम उन आदिवासियों के बीच में कथा करेंगे और घर वापसी करवाएं। क्या करना चाहिए और वहाँ पे? सनातन संस्कृति की जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। हम लोग केवल टीवी और मोबाइल तक सीमित हैं, हमें अपने सनातन संस्कृति का प्रचार अब दिलों तक करना पड़ेगा। बाबा आपने हिंदू राष्ट्र की बात की तो किस हिसाब का हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? पहली बात तो हिंदू राष्ट्र की बात कोई गलत नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र था, है और घोषित पुनः होकर रहेगा। और हमारा ध्येय कागजी तौर पर हिंदू राष्ट्र की उद्देश्य नहीं है, हमारा ध्येय प्रत्येक हिंदू के हृदय में हिंदू राष्ट्र जग जाए ताकि वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित व संरक्षित रख सके। बाबा जी आने से पहले विरोध भी बहुत हुआ है, क्या कहोगे? हनुमान जी के लंका जाने से उनका भी विरोध हुआ था। सेम टू यू बोल दीजिए। राजकोट में आप पर एक इनाम रखा गया है, उन्होंने कहा कि राजकोट में किस प्रकार से नशा होता है बाबा ये बता दें, तो उनको 5 लाख रुपए। देखिए हम कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है और लाखों अरबों करोड़ों और खरब पति हम इनकी तरफ, हम तुम्हारे 2 रुपया या 5 रुपया के पीछे नहीं पड़ते हैं, ना हम करोड़ों के पीछे, हम तो दिल के पीछे भागते हैं। कोई राम नाम का भावुक आएगा तो बताना तो ठीक है, जना भी देंगे, बाकी कोई अगर पैसे पर तौल कर देखे तो बागेश्वर धाम ना तो किसी VIP को जो ट्रीटमेंट देता है, ना बागेश्वर धाम पीठ किसी भी प्रकार के धन के लालच में जाती है, ना कभी जाएगी। और इस प्रकार के वाहियात क्वेश्चन के उत्तर हम नहीं देते। बहुत अच्छा, हमारे जो राम मंदिर है, हमारा जो भगवान काशी विश्वनाथ जी का है, आगे हमारे भगवान कृष्ण जन्मभूमि भी होगी, ये जो कार्य है ना हमारी सनातनीय संस्कृति के पुरोद्धार है, निश्चित रूप से इन सब कार्यों से हम अति प्रसन्न है। और कोई भी हो, देखो हम पहली बात क्लियर कर दें, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं और सभी पार्टियों को हम ये कहेंगे कि हमको किसी भी पार्टी से ना जोड़ें, हमको एक ही पार्टी से जोड़ें, बजरंग बली की पार्टी। सबको धन्यवाद, उनको पीठ को धन्यवाद, बहुत अच्छा ये राम मंदिर वाला कार्य और ये काशी विश्वनाथ का। सुरक्षा दी गई आपको, इस सुरक्षा देने के बाद में क्या कहना है, सुरक्षा अति आवश्यक? देखिए हम अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, अगर सरकार को लगा IV की रिपोर्ट, इंटेलिजेंट ब्यूरो की, चूंकि सनातन विरोधी ताकतें तो लगी हैं, तरह तरह के कयास, तरह तरह के प्रयत्न, तरह तरह के षड्यंत्र प्रतिदिन कर रहे हैं, चूंकि हम जंगलों में आदिवासियों के बीच में जो कथा की उसको लेकर के, उससे लेकर कोई फर्क नहीं। और साधु बात, शास्त्री जी आपने कहा हम किसी पार्टी के नहीं है, हमारा किसी तो आप बनवा करके ही छोड़ेंगी क्या? ये आपकी आपकी ये छोटी मानसिकता दर्शाती है, किरण माँ हमारी किसी भी पार्टी की नहीं है, तो उसमें तो कांग्रेसी भी होंगे, उसमें तो सपा वाले भी होंगे, आप लेकर के आओ, हमें सब स्वीकार है, ये आपको काम दिया जाता है। हम किसी भी पार्टी के न थे न हैं, न स्वप्न में रहेंगे, हमारे कांग्रेसी भी शिष्य हैं, हमारे सपा के भी शिष्य हैं, हमारे बसपा के भी शिष्य हैं, हमारे मध्य प्रदेश में हम कार्यक्रम सबके करते, यहाँ भी हमें वो बुलाएं हम उनके पास जाएंगे, हम किसी पार्टी के पास नहीं आए, हम अपनी मैया के पास आए जो किसी पार्टी की नहीं, हम सूरत वालों के पास आए और सूरत वाले किसी पार्टी के नहीं, हम गुजरात में आए और गुजरात किसी पार्टी का नहीं। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा जी? हिंदू राष्ट्र
जिस दिन आप जैसे लोग चुप होकर के सनातन का जयकारा लगाने देने लगेंगे उसी दिन बन जाएगा। आप हिंदू राष्ट्र के लिए न्यूज चलाएंगे कि नहीं? हमारी बात नहीं, अपनी बात। आप हिंदू हो? तो कर्म से हिंदू नहीं बनना है? आप हम आपको कर्म से हिंदू बनाना चाहे थे। अरे बहुत आनंद में, बहुत सरल का प्रोग्राम है। देखिए, कोई भी कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम नहीं होता, बना दिया जाता है बहुत विनम्रता पूर्वक। हमारे पास जो है, हम सनातन की अपनी चर्चा रखेंगे, जो बालाजी की कृपा है उसका प्रसाद वितरण करेंगे, बस। गुजरात में आने का क्या मकसद? बैक टू बैक 10 प्रोग्राम है। कोई मकसद से नहीं हम चलते, किसी ने बुलाया और चल दिए। हमारा कोई मकसद तो एक ही है, सनातन, दूसरा कोई मकसद नहीं हमारा। बीजेपी वालों ने आपको हाईजैक कर लिया है। है? हमें लगता है कि आप जो है विदेश से फंडिंग लेकर के क्वेश्चन लेकर आई हैं। हमको ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है देख करके। अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद आप। सूरत आए हुए हो, सूरत के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? सबको बहुत बहुत साधुवाद। और देखो, हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कहें, सब बागेश्वर धाम, अच्छा हम वहाँ गए, सब बागेश्वर धाम के पागलों को यही कहना है, सब मुस्कुराएं और राम नाम जप करें। यही एक ऐसा उपाय है जिससे जो है जीवन में प्रसन्नता आ सकती है, चमत्कार प्रदर्शन ये सब। हमें ऐसा मानना है हमारा कि हनुमान जी का एक ही बहाना है, सच में आप सबको हमें बालाजी का बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।